नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनंत मणि त्रिवेदी, मानव भारती, देहरादून, उत्तराखंड से। आप सब व्याकरण पढ़ रहे हैं और सर्वप्रथम कल हम सब ने पढ़ा था वर्ण विचार। आज हम आपके साथ उपस्थित हैं लिंग परिचय लेकर के। लिंग, जी हाँ, भारतीय शास्त्रों में शब्दों की जो व्यवस्था है, शब्दों का जो भाग है, उसे तीन लिंगों में बांटा गया है। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ा है, पर प्रायः अन्य भाषाओं के साथ साथ संस्कृत में जो वर्णों की व्यवस्था है, जो शब्दों की व्यवस्था है, उसमें संशय नहीं है। क्योंकि महर्षि पाणिनि जो हमारे शब्द शास्त्र के जनक हैं, वर्णों के जनक हैं, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की है कि कहीं भी उंगली उठाने का अवसर नहीं है। तो आइए देखते हैं लिंग के विषय में, हम सब पढ़ते हैं, जानते हैं और देखते हैं कि ये लिंग क्या है। शब्दों की त्रिविध व्यवस्था, तीन प्रकार के जो भाग हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। वो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तीन प्रकार के जो शब्द होते हैं संस्कृत में, हिंदी में, प्रायः भारतीय भाषाओं में, वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप से जाने जाते हैं। पुल्लिंग की पहचान क्या है? विसर्ग। विसर्ग पुल्लिंग शब्द की पहचान है। ये जो विसर्ग है ये पुल्लिंग शब्द की पहचान है। जैसे छात्रः, जैसे रामः, जैसे वृक्षः, ये पुल्लिंग शब्द की पहचान है। रामः, वृक्षः, छात्रः, ग्रंथः, बालकः इत्यादि, विद्यालयः, जिन शब्दों में विसर्ग आते हैं, विसर्ग कहते हैं इसे, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, इसे हम विसर्ग कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग, विसर्ग, ये विसर्ग है। तो जिन शब्दों के अंत में ये विसर्ग आते हैं वे शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और बहुत ही आसान है, बच्चे परेशान रहते हैं कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, नपुंसक लिंग शब्द कौन। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। प्यारे बच्चों, आप ध्यान दें कि जिन शब्दों के अंत में विसर्ग होते हैं वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। यद्यपि हो सकता है कुछ ऐसे शब्द आए जिसमें विसर्ग हो और वो पुल्लिंग न हो, लेकिन ऐसे शब्दों की संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम होती है या न के बराबर होती है। प्रायः आमतौर पर हमारी भाषाओं में जिन शब्दों के, और संस्कृत में खासकर, जिन शब्दों के अंत में विसर्ग होंगे वे पुल्लिंग शब्द होंगे। उसके लिए आपको शब्दों को जानना है, तो छात्र, वृक्ष, राम, कृष्ण, विद्यालय, ग्रंथ, बालक, इस तरह के हजारों शब्दों का आप अभ्यास कर सकते हैं। आइए स्त्रीलिंग देखें। स्त्रीलिंग तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारे और आपके घर में स्त्रीत्व से संबंधित बहुत सारे शब्द होते हैं। माँ है, नानी है, दादी है, मौसी है, बुआ है, खाने पीने का सामान है, पढ़ने लिखने का सामान है, उसमें स्त्रीवाची शब्द बहुत सारे होते हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए स्त्रीलिंग की पहचान क्या है? आ। स्त्रीलिंग की पहचान क्या है? आ। और स्त्रीलिंग की पहचान क्या है? छोटी ई। और स्त्रीलिंग की पहचान क्या है? बड़ी ई। ये आ, छोटी ई, बड़ी ई स्त्रीलिंग की पहचान है। और इसके लिए शब्द क्या होते हैं? सबसे पहले छात्रा, पत्रिका, पत्रिका, नदी इत्यादि, नदी, मति, बुद्धि, जिन शब्दों में आ होता है और जिन शब्दों में छोटी ई और बड़ी ई होती है वे प्रायः शब्द स्त्रीलिंगवाची होते हैं। स्त्रीलिंग से उनको संबोधित किया जाता है। तो हम और आप कम से कम 10-20 शब्दों का, खास करके जो छोटे बच्चे हैं, मैं माताओं से अनुरोध करता हूं कि घर में जो छोटे बच्चे हैं, क्लास 1, 2, 3, 4 में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको 10 शब्द दें, ज्यादा ना दें, 10 पुल्लिंग शब्द का अभ्यास करें, 10 स्त्रीलिंग शब्द का अभ्यास करें, 10 नपुंसक लिंग शब्द का अभ्यास करें, सुंदर राइटिंग में लिखें, शब्दों का अर्थ भी उन्हें आप बताएं, तो बहुत ही सहज और सरल तरीके से बच्चों को लिंग का ज्ञान हो सकता है। तो ये रहे स्त्रीलिंग।
अब स्त्रीलिंग में और शब्द हम देख सकते हैं, छात्रा, फिर बालिका, फिर पत्रिका, ये सभी स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। अब है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग शब्द की सबसे बड़ी पहचान क्या है? म, बिंदु। जिन शब्दों के ऊपर बिंदु होगा वो नपुंसक लिंग होंगे। और म, म बिंदु और म, ये जो शब्द होंगे जिन शब्दों में बिंदु होगा और म होगा, जैसे फलम, जलम, गृहम, वस्त्रम, शरीरम, नेत्रम, मस्तकम, उदरम, चरणम, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंत में म होता है वो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं। नपुंसक लिंग जैसे फलम और जलम, ये शब्द नपुंसक लिंग होंगे। तो इस प्रकार से हमारे संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, छात्रः, स्त्रीलिंग छात्रा, नपुंसक लिंग पुस्तकम। इनकी पहचान क्या है एक बार बहुत ध्यान से सुने, बहुत आसान है, बहुत आसान है कि जिन शब्दों के अंत में विसर्ग आएंगे वे पुल्लिंग होंगे, छात्रः, जिन शब्दों के अंत में आ ई ई आएंगे वे स्त्रीलिंग होंगे, छात्रा, जिन शब्दों के अंत में बिंदु आएंगे और म आएंगे वो नपुंसक लिंग होंगे, पुस्तकम, फलम, जलम, पुष्पम, गृहम। तो इस प्रकार ये आपने आज लिंग के विषय में जाना। आप सब शब्दों को ले, शब्दों को पढ़ें, उसका अभ्यास करें और छोटे बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से इन शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। तो कल हम फिर एक नए विषय के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।